अपना घर तोड़ रहे हैं, पैर हाथ थक गया और इसलिए इधर उधर घूम रहे, कहीं जगह नहीं मिल रहे, दे सो जाऊँ हमने। तो ये मस्जिद कितनी पुरानी थी? ज़्यादा पुरानी नहीं थी, आज से 15 महीने या 2 साल पुरानी मस्जिद थी ये। अच्छा। अभी बनाए थे हम लोग। खाने पीने का तो इंतजाम नहीं है, 2 दिन से भूखा है आज। पिछले कुछ दिनों से बिहार के सीमांचल में जबरदस्त नदी कटान जारी है। शुक्रवार को इस कटान की एक भयावह तस्वीर सामने आई, जब पूर्णिया जिले के बैसी में देखते ही देखते एक मस्जिद कनकई नदी में समा गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मैं मीडिया की टीम शनिवार को ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमने वहां जो देखा उसे समझने के लिए एक वायरल वीडियो काफी नहीं है, लेकिन पहले बात वायरल वीडियो की ही कर लेते हैं। यह वीडियो बैसी के ताराबाड़ी पंचायत अंतर्गत चनकी गांव का है। 1.5-2 साल पुरानी मस्जिद की दूसरी मंजिल पर गांव के बच्चों के लिए मदरसा भी चलता था। शुक्रवार तक ग्रामीण बद्रुजम्मा का घर मस्जिद से सटा था। अचानक सैलाब का पानी आया और मस्जिद कनकई नदी में समा गई। थोड़ी ही देर के बाद बद्रुजमा के घर का भी नामो निशान मिट गया। ये मस्जिद कितनी पुरानी थी? ज़्यादा पुरानी नहीं थी, आज से 15 महीने या 2 साल पुरानी मस्जिद थी ये। अच्छा। अभी बनाए थे हम लोग। जामे मस्जिद थी, जुमा की नमाज होती थी? नहीं नहीं नहीं, वक्त मस्जिद था और डबल मंजिल का था और नीचे मदरसा था, ऊपर मस्जिद था। मस्जिद से सामान वामान निकाल लिया गया था पहले? जी नहीं, उसमें से कुछ भी नहीं निकालने का मौका ही नहीं मिला। अचानक बाढ़ आने के कारण वो नदी में समा गया। अचानक ही मस्जिद कट गई? जी जी जी, कल रात में पानी आया और सुबह वो समा गया नदी में। आप बता रहे हैं आपका भी घर मस्जिद से सटा ही था? जी बिल्कुल सटा हुआ ही था मस्जिद से, बिल्कुल मेरा और बाकी जो मेरे मस्जिद से सटा हुआ ही था, उसके जो लास्ट पीछे साइड जो था मस्जिद था और आगे पूरा मेरा घर था, लगभग एक सवा एकड़ के अंदर जमीन के अंदर था। ये जो दीवार है ये आप ही के घर का हिस्सा? जी जी, मेरे ही घर के हिस्से है ये। ताराबाड़ी पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क नदी में विलीन होती जा रही है। नदी के दूसरी तरफ बद्रुजमा के बाकी परिवार का घर है। छोटा भाई सद्दाम मजदूर लगवाकर 2 दिनों से 6 कमरे के पक्के मकान को तोड़वा रहा है। कितने दिन से ये घर तोड़ा जा रहा है? ये आज 2 दिन से ये घर तोड़ रहे हैं हम लोग। कितने कमरे का ये मकान था? ये इसमें इधर हम लोग एल टाइप बनाए हैं। 3 रूम तो इसमें फ्रंट में है, 3 रूम 6 रूम का बिल्डिंग है ये। कितना परिवार रहता था इसमें? इसमें हम लोग सिंगल परिवार ही रहते थे। जो सामने भाई का बिल्डिंग कटा था पीछे साइड रोड के उस पश्चिम साइड, तो उन लोग भी आके एडजस्ट यहीं हुआ था। बद्रुजमा और सद्दाम के परिवार की तरह ही ताराबाड़ी के लगभग 50 परिवार अपना अपना घर तोड़ने में लगे हैं। पिछले साल भी गांव के 150 परिवारों ने ऐसे ही अपने मकानों को तोड़ा था। हालात ऐसे ही रहे तो बहुत जल्द चनकी गांव का भूगोल इतिहास बनकर रह जाएगा। इतिहास भी वो जिसे सरकारी फाइलों तक में जगह न मिले। अब तक कितना घर यहां पे इस तरीके से लोग तोड़ चुके हैं? लगभग अगले साल भी हम लोग 150 घर तोड़ चुके हैं और इस साल भी वही लगभग 50-60 घर है इस गाँव में। तो लग नहीं रहे जो इस बार भी बचेंगे, ये 50-60 भी घर नदी के चपेट में आ ही जाएंगे। पूरा चनकी गांव खत्म हो जाएगा? पूरा चनकी गांव खत्म हो जाएगा ताराबाड़ी पंचायत से। मोहम्मद आलम एक मजदूर है, अपने हाथों से अपने सपनों के आशियाने को तोड़ते तोड़ते खुद अंदर से टूट चुके हैं। घर के साथ साथ गांव के पेड़ों और बांस को भी काटा जा रहा है। आलम कहते हैं थकान दूर करने के लिए भी जगह नहीं है। अपना घर तोड़ रहे, पैर हाथ थक गया और इसलिए इधर उधर घूम रहे, कहीं जगह नहीं मिल रहे, दे सो जाऊँ हमने। कितना दिन से तोड़ रहे हैं घर? तोड़ रहे आज 3 दिन से तोड़ रहे हैं। हाँ, 3 दिन से तोड़ रहे हैं और रात को 12 बजे हमने सोया, फिर 4 बजे भर उठ गया। अपने हाथ से अपना घर तोड़ने में तकलीफ? हाँ, तकलीफ हो गया, पैर हाथ अभी दुख रहे, पैसे नहीं है, दे मजदूर को पैसा दो। अभी 6-7 किए तो शाम को पैसा देना होगा, तो किससे जाऊँ लेने के लिए, किससे देगा नहीं देगा, ये तकलीफ है हमको अभी। ताराबाड़ी के मुंशी टोला की हालत और भी बदतर है। खिलौने तोड़ने की उम्र में छोटे छोटे बच्चे हाथों में हथौड़ा और कुल्हाड़ी लिए दीवारें तोड़ रहे हैं। सरकार उड़न खटोले से मुंशी टोला की तबाही देख ले तो युद्ध में तबाह हुए सीरिया या फिलिस्तीन का कोई इलाका समझने की गलती कर बैठे। पीछे घर है जैसा, यही आपका घर है? हाँ, यही घर मेरा है और कुछ घर नदी में चले गए,
वो बड़ा वाला तो घर नदी में गए, ये सब छोटा मोटा सब घर गांव वाला आया। और रात को कटान हुआ ज़्यादा, करीब करीब 10 बजे पकड़ा और 12 बजे तक बस समाप्त कर दिया। टीना उना समत वो तो गया नीचे, और ये सब ग्वाली उली गुरु का, बकरी का, मुर्गी का, ये सब वही तोड़ तार की है। और बाकी वो बड़ा कितने लोग आपके परिवार में? हमारे परिवार में तो ऐसे मेरा 6 लड़कियां हैं, लड़का उड़का नहीं है। कहाँ रहता परिवार आपका? अभी परिवार तो यही जलाउन का घर में। मुंशी टोला के प्राथमिक विद्यालय पर भी कटान का खतरा मंडरा रहा है। मोहम्मद जुनैद का घर स्कूल से सटा है, बताते हैं एक दो दिन में स्कूल नदी में समा सकता है। प्राइमरी स्कूल है आप लोग आपके घर से पीछे, ये भी खतरे में है? ये भी स्कूल सबसे ज्यादा खतरे में है। स्कूल भी एक दो दिन में कट सकता है? हाँ कट सकता है, नदी का कोई गारंटी नहीं, क्या पता शाम तक भी कट सकता है। स्कूल का सामान वामान सब निकालने कोई आया स्कूल में? कोई नहीं आया है। कोई स्कूल का टीचर उचर सब? कोई नहीं आया। स्कूल चलता है ना? स्कूल अभी बंद है। मतलब लॉकडाउन में बंद हुआ? लॉकडाउन में बंद हुआ तो अभी तक बंद ही है। तो उससे पहले तो चालू होगा ना स्कूल? उससे पहले चालू था। बीच में कोई देखने उखने नहीं आया स्कूल का? नहीं आया, हेडमास्टर आया था आज, देख करके चले गए वो। मोहम्मद फायक एक मिस्त्री है, अब तक 3-4 घर तोड़ने में गांव वालों की मदद कर चुके हैं, अब अपना घर तोड़ रहे हैं। कब से तोड़ रहे हैं घर आप? परसों से। अपने हाथ से ही तोड़ रहे हैं? अपने हाथ से, हम खुद मिस्त्री हैं, अपने भी खोलते हैं दूसरा का भी खोलते हैं हम, है ना। बहुत अब तक कितना घर लगभग आप लोगों का तोड़ने में मदद कर चुके हैं? मोटा मोटी 1, 2, 3, 4 घर, 3-4 घर का मदद किया हम। गांव के बुजुर्ग गुलाम मुस्तफा बताते हैं अब तक कोई सरकारी मदद गांव तक नहीं पहुंची है, गांव वाले एक दूसरे के सहारे किसी तरह से जी रहे हैं। रहते हैं बालू में जाकर के, खोपड़ी मार के। तो रहने सहने के लिए कोई सरकार इंतजाम किया है? क्या एक तो पन्नी नहीं दिया तो देगा सरकार ले आएगा यहाँ तो हम ही से लेकर के जाए। हाँ सरकार क्या देगा? खाने का इंतजाम किया कुछ सरकार? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कोई नहीं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में क्षेत्र ने बदलाव के नाम पर ओवैसी की AIMIM पार्टी को जिताया। सैयद रुकनुद्दीन अहमद बैसी के विधायक हैं। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के विधानसभा क्षेत्र अमौर से यह इलाका सटा हुआ है। बेगम निशा को पार्टी से काफी उम्मीदें थी लेकिन निराशा हाथ लगी है। बैसी किशनगंज लोकसभा के अंदर आता है, जिसने लगातार 3 बार कांग्रेस के नेताओं को लोकसभा भेजा है। फिलहाल डॉक्टर जावेद आजाद किशनगंज के सांसद हैं। मजबूरन हो हन्ने तो रही लद्दी कटाने को साधारण ही चार कहाँ जाम की करूँ कहाँ रो। मजबूरी में घर तोड़ रही हूँ, नदी से कटाव हो रहा है, कहाँ रहूंगी क्या करूंगी नहीं पता। हाथ पैर जोड़कर वोट लिया, बोला नदी कटान रोक देंगे। अभी हमारा घर नदी में जा रहा है, कहाँ कोई कुछ कर रहा है। कौन वोट लिया, क्या नाम है जी उसका? अख्तरुल ईमान। कहाँ कुछ किया, अभी गांव कट रहा है, आप बताएंगे ये सब, आप दिखाएंगे ये। मुखिया चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे मोहम्मद अजमल हुसैन को नए विधायक से उम्मीदें बाकी है। मानो कह रहे हैं तुम आए हो तो तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ, तुम्हारे साथ भी कुछ दूर जाकर देख लेता हूँ। विधायक जी जो है तो बहुत प्रयास किए, सरकार से भी जो है तो मतलब क्या कहते हैं बहुत अनुरोध किए और नीतीश जी से भी मुलाकात किए विधायक जी, लेकिन यहाँ के बारे में ताराबाड़ी के बारे में वो सबसे पहले बोले कि ताराबाड़ी पंचायत जिला पूर्णिया थाना बाईसी में ताराबाड़ी पंचायत है, वहाँ पर जो है तो बहुत ज़्यादा कटाव है, लगभग 150 घर जो है तो कर चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो कटने के लायक है, कुछ सरकार सहायता हमको करे, लेकिन आज तक इटो ये सरकार हम लोगों को दिया नहीं। विधायक जी का बात नहीं मान रहा? विधायक जी का भी बात नहीं मान रहा है सरकार, कोई फायदा ही नहीं मतलब।